जैसे ही पानी हम पक्षाल कर दे भगवान के सर से झुकता है, ऐसा पक्षाल अपनी आंखों से होते रहना चाहिए। हम भगवान की मूर्ति पे पक्षाल कर दे वो पक्षाल की बात नहीं, बस धर्मी आत्मा वो होता है जिनकी आंखें से आंसू का पक्षाल होते ही रहता है। महान चीन शासन प्रभाव पनिया चंद्र शिकमा को जिसने भी देखा सुना होगा, नजदीक देखेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपने जो आंसू की पूंजी बनाए रखी थी शायद बहुत कम 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 लोगों के पास होगी। हजारों की सभा में वो रोने में कोई शर्म नहीं रखते थे, तार तार वो रोने थे, कभी प्रवचन रुकाना पड़ता था। हम दोनों इकट्ठे होकर के बैठते थे तब भी इनकी आंख में आंसू थे। रत्न समाज ये जैन शासन को ये युवा पीढ़ी को मैं कैसे बचा पाऊंगा समझ में नहीं पाता है। स्वीकार लाखों करोड़पति बाप का बेटा चारित्र के मार्ग पे निकला और यह स्वीकार की भूमिका के बाद सत्कार जब प्रवचन आपने शुरू किया, मैं गवाऊं इनके प्रवचन में, मैं प्रवचन सुनने के लिए जाता नहीं था, इनकी इस भीड़ को देखने के लिए जाता था। आज के जमाने में एक साधु भगवान के वचन की डिलीवरी करता रहे और ऐसी भीड़ ऐसी भीड़ ऐसी भीड़, और ये सत्कार करने का उनके मन में भाव, वीर सैनिक की स्थापना, वर्तमान संस्कार धाम की स्थापना, और ये परिवार आज लाखों करोड़ रुपए का जो दान कर रहे और हजारों लोगों को साता और समाधि में नींद बने, क्रेडिट गोस टू अंडी चंद्रशेखर विजय महाराज। सत्कार की भूमिका और प्रतिकार की भूमिका, आंख में आंसू थे उससे ज्यादा आंख में आग थी, आग। हिम्मत दीदी किसी लड़की की आपके सामने आकर के बैठ सके, कोई गलत कार्य के लिए आपको मजबूर कर सके, ऐसी किसी की ताकत नहीं थी। और यह क्षमता थी प्रतिकार की और परिवार की, तो मैं बात आपसे क्या करूं, कोई शब्द नहीं है मेरे पास उनके परिवार के लिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं तलवार देकर के दूसरे के सामने तुम वीणा बजाने के लिए तुम उनको मजबूर कर सकते हो, मगर वहां संगीत निकलता नहीं है, आवाज निकलती है, समझे मैं क्या कहना। तलवार लेकर के बैठो और उनको बोलो तू वीणा बजाता है कि नहीं, वो निश्चित तौर से वीणा बजाएगा मगर वहां आवाज निकलेगा संगीत नहीं निकलेगा। और प्रेम से बोलो दोस्त वीणा बजाता है कि नहीं, वहां आवाज नहीं निकलेगा मगर संगीत निकलेगा। चंद्रशेखर वो मुनि भगवान थे कि जिसने तलवार का प्रयोग करीबन नहीं किया और जो प्रयोग किया प्रेम का किया, उसके सामने जो भी बैठते थे वो वीणा बजाते थे, मजबूर नहीं थे, मर्दान की के साथ वीणा बजा। बड़ौदा ने देखा होगा आपको, चंद्रशेखर के बहुत प्रेम श्री महाराज के बहुत नजदीक और जिन शासन की आन बान और शान लेकर के बैठे थे। लास्ट मुझे मिले थे बोरीबोली में रत्न सुंदर महाराज, एक काम करना। मैं बोला क्या, भगवान के पास जाकर के एक प्रार्थना निश्चित करना, एक प्रार्थना निश्चित करते रहना, भगवान चाहे असाधा कर्म का उदय आ जाए और शरीर में रोग आ जाए भगवान भेजना, मगर अनंत शासन अनंत ऋण है तेरे शासन का और वही ऋण मुक्त बनने के लिए भगवान आपकी कृपा से मुझे गला मिलाए। मैं वो कहना चाहता हूं बोरीवली में नहीं, गोरे गांव में कांदीवली में चंद्रशेखर मां मिला था और आपने मुझे इतना कहा रत्नमत भगवान के सामने एक प्रार्थना निश्चित करना, भगवान शरीर का कोई भी अंग डैमेज हो जाए मैं सहन कर लूंगा मगर मेरी जुबान को खुली रखना, हजारों लोगों को धर्म के मार्ग पे जोड़ेगा। वो चंद्रशेखर मां ने जिंदगी के अंत समय तक ये गला का प्रयोग करने का प्रयास किया। पवित्रता प्रेम प्रसन्नता परिणति और पुण्य पांच चीज आपके पास जो थी, प्रेम हाइट पे प्रसन्नता टॉप पे पवित्रता क्लाइमेक्स पर, हजारों की सभा इकट्ठे करने का पुण्य छोड़ता और परिणति की निर्मलता, ये पांच चीज आपके पास